सर आज के एग्जीबिशन को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतने अच्छे कलाकारों द्वारा ये सब बनाया गया, तो क्या अप्रिशिएट करेंगे और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इतनी खूबसूरत कलाकृतियाँ देखकर मनुष्य की आँखें और उसके विचार रईस हो जाते हैं। आई एम फीलिंग माइसेल्फ रिचर देन बिफोर, क्योंकि ये सब चीज़ें जो हैं विचारों को सुंदर करती हैं और मन को बहुत प्रेम देती हैं, आत्मा को संतुष्टि देती है, इंसान रईस हो जाता है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मैं खासतौर पर आशुतोष जी, प्रीति जी, ऋतु जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुझे इन्होंने आने का मौका दिया। और एक और पर्सन को मैं धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ नहीं है, शिल्पी, वो होती तो और मज़ा आता था। तो शिल्पा को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं खतरों के खिलाड़ी में खतरों से जूझ रही हैं, तो वहाँ सब आएंगी। शिल्पा सुनने को भी मिलेगी। हाँ जी, इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है इस चीज़ को, लोगों के बीच लेके आए हैं, तो उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये ऑर्गेनाइज होते रहना चाहिए और केवल साउथ बॉम्बे में नहीं, उधर भी होना चाहिए। तो जो जुहू में हो रहा है ये और आगे बढ़े, यहाँ अंधेरी में भी जाएँ, इसके बाद एक न्यू बॉम्बे में हो, क्योंकि ये लोग इस चीज़ों से ज़रा दूर हो जाते हैं। ये सब जहांगीर आर्ट गैलरी तक ही रह गया है, उससे आगे बढ़ना चाहिए। बॉम्बे बहुत बड़ा हो गया, मुंबई सिर्फ साउथ मुंबई थोड़ी है, मुंबई वहाँ से निकल के बहुत जगह पहुँच गया है। तो छोटे छोटे मुंबई बहुत जगह बन गए हैं, उन सब जगह ये एग्जीबिशन होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि आशुतोष जी, प्रीति जी, ऋतु जी इसके लिए काम करेंगे और यही सब आर्टिस्ट को वहाँ पहुँचाएंगे।